में योग शिविर लगाया था जिसमें कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए रामदेव के योग शिविरों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का आदेश दिया। भैया आचार संहिता लागू हुई तो आप किसी पार्टी को तो सपोर्ट नहीं कर रहे ना, आप देश में तो घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, पूरा देश लूट गया और बोल भी नहीं सकते, ये कौन सा कानून है भैया। रामदेव ने आज फिर मोदी को राहुल से बेहतर बताया, कहा कांग्रेसियों की जगह बस जेल में है। देश के अंदर 1,000,00,000 करोड़ की भी लूट करके कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अभी मौज कर रहा है, थोड़ी दिनों में शायद ये भी वही पहुंचेंगे, लालू जी से मुलाकात इनकी जल्दी होने वाली है। मोदी जी को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए मिला था गुजरात और आदरणीय राहुल गांधी जी को मिला था पूरा देश। गुजरात से नरेंद्र मोदी देश और दुनिया में छा गया और राहुल गांधी जी हीरो से जीरो हो गए। बीजेपी का कोई एजेंट हो गया मैं कोई बीजेपी का कोई प्रवक्ता हूँ भैया, हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं और इस दिन बीजेपी भी जो है देश हित को तिलांजलि दे देगी तो फिर हम भी राम राम कर लेंगे। रामदेव ने साफ साफ कहा चार राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी, केवल 100 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, मोदी को 300 सीटें मिलेंगी। अभिमन्यु शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली।